कोरोना संक्रमण को लेकर अब हरियाणा के 9 जिलों में वीकली लॉकडाउन लगा दिया गया है। शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर 3 मई तक हरियाणा के पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, करनाल, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान जरूरी सामान की दुकानों, पेट्रोल पंप आदि खुले रहेंगे। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने आज लॉकडाउन को लेकर आदेश जारी किए। हरियाणा में पिछले 29 दिनों में कोरोना के चलते 963 लोगों की मौत हो चुकी है। जिन 9 जिलों में कोरोना को लेकर लॉकडाउन लगाया गया है, वहां अप्रैल में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम में कोरोना के सबसे अधिक 33,892 एक्टिव केस हैं। इसी तरह पंचकुला में 2,572, फरीदाबाद में 11,883, सोनीपत में 5,642, रोहतक में 1,398, करनाल में 5,217, सिरसा में 2,728 और फतेहाबाद में 3,115 एक्टिव केस हैं। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेशों के अनुसार पेट्रोल पंप, दैनिक उपभोग की वस्तुएं, केमिस्ट शॉप, एलपीजी गैस सर्विस के अलावा एटीएम खुले रहेंगे। किसान भी अपने खेत में काम कर सकेंगे। किसी भी वैवाहिक समारोह को लेकर संबंधित जिलाधीश या अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इंडोर में समारोह में 30 जबकि ओपन में 50 से अधिक लोग शिरकत कर सकेंगे। फसली सीजन को देखते हुए इंटरस्टेट रास्तों पर कंबाइन एवं अन्य खेती से जुड़ी मशीनरी की आवाजाही जारी रहेगी। लॉकडाउन को लेकर अब खुद समाज सेवी संस्थाएं व लोग भी मांग करने लगे थे। क्योंकि अब कोरोना ने विकराल रूप धारण कर लिया है, हरियाणा में इस समय कोरोना के 93,000 एक्टिव केस हैं, 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है, रिकवरी रेट 80% तक ही रह गया है, लोग लापरवाह बने हुए हैं, सरकारी इंतजाम भी नाकाफी है, लोग कोरोना को हल्के में लेने लगे हैं। यही वजह है कि अब कोरोना का जानलेवा रूप सामने आ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि लोग घरों में रहे, मास्क पहने, शारीरिक दूरी का पालन करें, गाइडलाइंस का पालन करें, तबीयत गड़बड़ है तो जांच कराएं, पॉजिटिविटी बरकरार रखें, पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है और न ही कोरोना को हल्के में लेने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।